अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आज के इस न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी फ़ोटो एडिटिंग के शौकीन हैं और अपनी फ़ोटो में हज़ारों किस्म के इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज करके, यानी आप एक इमेज का बैकग्राउंड चेंज करके आप किसी भी दूसरी इमेज के साथ लगा सकते हैं, आप हैरान होकर रह जाएंगे कि ये आप किस तरह से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो है मैं आपको एक ऐसी प्रोफेशनल किस्म की फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा जिसको जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि क्या आप इस एप्लीकेशन की मदद से ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है ट्रेंडिंग पे चल रही है, तो इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन का पता नहीं चलता तो जो वीडियो देख रहे हैं आपने उसी के टाइटल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे नीचे एक पैराग्राफ ओपन हो जाएगा, वही वीडियो की डिस्क्रिप्शन है। तो जैसे दोस्तों ओपन करेंगे कुछ इस तरह का आ जाएगा, यहाँ पे आप जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है नजर आ रहा है कट आउट का, तो सबसे पहले मैं जो है कट आउट का आपको ऑप्शन बता देता हूँ। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपने कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से जो है मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से दोस्तों जो मैं जो है ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये खुद ब खुद जो है ये देख सकते हैं आप जो है कलर इसका चेंज हो गया है जो इमेज थी। तो आपने क्या करना है, खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अगर कोई हिस्सा रह जाता है तो आप जो है उसको अपने यानी हाथ से उंगली से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल ये आप देख सकते हैं PNG में आप बन गई है। तो यहाँ पे आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो है इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मौजूद है आप चेंज करना चाहें या फिर आप गैलरी से उठाना चाहें तो नीचे आपको गैलरी का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगी, यहाँ से कोई भी इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है दोस्तों मैं ये वाली इमेज जो है बैकग्राउंड में सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप नीचे आपको टिक का निशान नजर आए, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये इमेज जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रख देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप खुद जो है उस जगह पे गए हों, आप पीछे से बैकग्राउंड भी इसका चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज जो है ये बिल्कुल सेव हो जाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप खुद ब खुद उसको ट्राई कर सकते हैं। ऐड आ जाए तो आपने इसको स्किप कर देना है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।